પાવીમાં આવેલ વીઆઈએ હોલ ખાતે ડાન્સ સ્ટુડિયો દ્વારા ટેલેન્ટ કા મેલા ઓપન કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 200 જેટલા બાળકો અને યુવાનોએ પોતપોતાનામાં રહેલી ડાન્સ, મ્યુઝિક અને ફેશન પ્રત્યેની અનોખી પ્રતિભાના દર્શન કરાવ્યા હતા. વાપી અને તેની આસપાસના સંઘ પ્રદેશ સહિતના વિસ્તારમાં બાળકો યુવાનોમાં રહેલી ટેલેન્ટને બહાર લાવી એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડી શકાય તેવા ઉદ્દેશ્યથી વાપીમાં વીઆઈએ ઓડિટોરિયમમાં ડાન્સ સ્ટુડિયો દ્વારા ટેલેન્ટ કા મેલા ઓપન કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટેલેન્ટ કા મેલામાં 200 જેટલા બાળકો યુવાઓએ પોતાનામાં રહેલી ડાન્સ, મ્યુઝિક અને ફેશન પ્રત્યેની ટેલેન્ટને દર્શકો સમક્ષ રજૂ કરી હતી. ઓપન કોમ્પિટિશનમાં 200 જેટલા સ્પર્ધકો પૈકી 50 સ્પર્ધકોએ મ્યુઝિકમાં, 35 જેટલાએ ફેશન શોમાં અને બાકીનાએ ડાન્સમાં પોતાની પ્રતિભાના દર્શન કરાવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં જજીસ પેનલ તરીકે મ્યુઝિકમાં પ્રતિક ગાંધી, ફેશન શોમાં રિશિ અને ડાન્સમાં વૈભવ, જ્યારે ચીફ ગેસ્ટ તરીકે ઉદ્યોગપતિ મુન્ના શાહ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, સામાજિક કાર્યકર એવા ડોક્ટર સંધ્યા શાહ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજ કોણ સા ગાના આપ ગાઓગે? સફર મેરા તો એ મુશ્કિલ. ઓર કોણ હૈ યહાં પે? હાથ ઉપર કીજિયે. નમસ્તે વાપી વાલો કો સબકો મેરા પ્રણામ. મેરા નામ હૈ લીલમ શર્મા. ટેલેન્ટ કા મેલા સો ઓર્ગેનાઇઝર એન્ડ વી ડાન્સ સ્ટુડિયો કી ઓર્ગેનાઇઝર હું. ઓર મેને ટેલેન્ટ કા મેલા મ્યુઝિક, ફેશન શો ઓર ડાન્સ કા કિયા હૈ. ડાન્સ
मैं है सोलो ड्यूट ग्रुप और अपने जज हैं म्यूजिक में प्रतीक गांधी और फैशन शो में है ऋषि और श्वेता और अपने डांस में है वैभव। तो इन अलग अलग स्टेट से हमारे टैलेंट के मेले में सबने पार्टिसिपेंट किया है, जैसे राजकोट, बॉम्बे, उज्जैन, महाराष्ट्र, सूरत, वापी, सिलवासा, दमन, बाहर बाहर से लोग आए हैं टैलेंट अपना हुनर दिखाने के लिए, पार्टिसिपेंट करने के लिए। बस मैं वापी वालों को ये कहना चाहती हूँ, उनको सपोर्ट कीजिए, उनका उत्साहित बढ़ाइए। मेरा फर्स्ट सीज़न है तो उनको आगे मैं सेकंड सीज़न में मैं ला सकूँ, उनको टैलेंट को निहार सकूँ, सजा सकूँ, उनको आगे स्टेज मिले। बस मेरा यही कोशिश है थोड़े वापी के से। तो प्लीज़ आप वापी में सब मुझे सपोर्ट कीजिए, नेक्स्ट टाइम मेरा सीज़न आए तो आप लोगों का सपोर्ट रहे और आपका टैलेंट रहे। और मेरे को सपोर्ट इनसे भी मिला है, संध्या बहन शाह से, तो मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे चीफ गेस्ट बन के वो आए हैं। बस उनको मैं थैंक यू प्रेजेंट करना चाहती हूँ दिल से, और दिल से वापी वाले को भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत 200 पार्टिसिपेंट हमारे आए हैं और 50 पार्टिसिपेंट हमारे म्यूज़िक में हैं, 25-30 पार्टिसिपेंट हमारे फैशन शो में हैं और बाकी हमारे डांस से अलग अलग स्टेज से हमारे पार्टिसिपेंट अपना टैलेंट दिखाने के लिए यहाँ है। और ये कंपटीशन में यहाँ पे मैं सीनियर जज बन गया हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। और काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी छुपा हुआ टैलेंट है, ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, रिमोट एरियाज में होनी चाहिए, सब जगह पे होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, आप जितना भी जो टैलेंट है जो घर में है, स्कूल है, कॉलेज तक है या वहाँ तक भी नहीं पहुँचा है, वो एटलीस्ट उनको एक जगह मिलती है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। क्योंकि हमारे इंडिया में एक बोलते हैं ना, जब कोई डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी सब चीज़ों के अलावा जो भी आगे आना चाहता है उसको सबसे पहले दबाते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू, आपने ये चीज़ किया तो मैं आभारी हूँ। आज जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें कौन सा सॉन्ग क्या लग रहा है, ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ये तो पूरा ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीत रहा है और कौन 1-2-3 पे है और किसके लिए क्या क्या पॉइंट्स। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं पर्सनली चाहता भी हूँ कि ये कॉम्पिटिशन ख़त्म होने के बाद एक छोटा सा सेशन सब बच्चे लोगों के साथ में, सब कॉम्पिटिटर्स के साथ में रखूं, जिससे उन लोगों को भी मेरे साथ बात करने का मौका मिले। कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं बिल्कुल देने के लिए रेडी हूँ। मेरा नाम मीनल चौधरी है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ श्री राज राजेश्वरी विद्या मंदिर स्कूल में। और आज मैंने ये टैलेंट शो में पार्ट लिया और मैंने आज दिल चीज़ क्या है उमरान खा वो पिक्चर का गाना गाया है, उमरान जान का, और ये आशा भोसले जी का गाना है। और मुझे ये सिंगिंग का इंटरेस्ट 5th स्टैंडर्ड से था, तब मैंने उमरगांव में अग्रता एकेडमी स्कूल में वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्ट लिया था और 5000 रुपीज़ का चेक मैंने प्राइज़ में विन किया था।